कई बार पैसा इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। पास्ट में हमने बहुत सारी तकलीफें सही है, हम बचपन से जैसा देखते हैं वो सभी हमारे माइंड पे प्रिंट होता रहता है। अब मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में पीछे भी नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की समस्या हल हो जाए तो ये विजुअलाइजेशन रोज करें, सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर रात को सोने के तुरंत पहले। आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक लंबी और गहरी सांस लें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ अपना मुंह कर लें। जब ये विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो ही फीलिंग होनी चाहिए जो पैसा आने के बाद, बहुत सारा पैसा आने के बाद आपके माइंड में, आपकी बॉडी में होगी। सेम फीलिंग, एक और लंबी और गहरी सांस एंड इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही आलीशान महल में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी सी कार के अंदर, ये कोई भी आपकी फेवरेट कार हो सकती है। पोर्च में आके गाड़ी रुकती है एंड दरवाजा खोलने के लिए 3-4 संतरी लोग भाग के आते हैं, आपको सल्यूट मारते हैं क्योंकि ये आपका प्राइवेट पैलेस है। Your palace, you deserve this, you deserve to be rich. You are powerful, believe in it, ये आपकी का पैलेस है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक के साथ आप इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर की भव्यता को आप निहारते हैं। सभी तरफ एक एक चीज करोड़ों की, लाखों की, गोल्ड प्लेटेड, हर चीज, हर एक कारपेट, कुर्सी, सोफा, टेबल, जो भी यहां रखा हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। इन सभी को देखने के बाद आपके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है इसमें अंतर नहीं पता, इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है वो चाहे जो पा सकता है। जब आप इस तरह की चीजें अपने मन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो उसे पाने के लिए कुछ भी करता है या आपसे कुछ भी करवाता है। पैलेस के एक साइड में आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता है, तेज कदमों से आप उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कॉरिडोर के अंत में एक बहुत ही प्यारा सा दरवाजा, गोल्डन गेट। ये गोल्डन गेट खुलता है और ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ सोने की सीढ़ियां आपको दिखाई देती है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, चेहरे पे स्माइल, सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा बैठे, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप इस गोल्डन सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। पहले पाए पे चढ़े, आपके आसपास पैसा ही पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है।
यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर अ मनी मैग्नेट। दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा। हर एक लग्जरी दुनिया की आपके कदमों में आ रही है, आसानी से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट आ रही है। आप जो चाहते थे वो पा लिया है आपने, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं और आप देखते हैं आपका परिवार खुशियों से भरपूर, जो चाहे जहां चाहे वहां घूम पा रहा है, जो चाहे वो कर पा रहा है, व्यापार शुरू करना है पैसा है, कुछ नया कुछ काम करना है पैसा है, कहीं जाना है पैसा है, कुछ खरीदना है पैसा है। आप देख सकते हैं कि आपका परिवार सब कुछ खरीद पा रहा है और आप भी हर चीज को खरीद भी पा रहे हैं और इंजॉय भी कर पा रहे हैं। एक एक करके आप जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और आप देखते हैं यू आर अ मिलियनेयर, यू आर अ बिलियनेयर, यू आर रिच। जोश के साथ तीन बार बोल दीजिए मन ही मन में, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई कैन अट्रैक्ट मनी। मेरे साथ पैसा आसानी से आता है, बार बार आता है, जरूरत से कहीं ज्यादा आता है, सोते सोते भी आता है। और आप देख सकते हैं आप विदेश भी घूम रहे हैं, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, आप क्रूज में, फ्लाइट्स में, VVIP सीट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो चाहे खरीद पा रहे हैं, जैसा चाहे पहन पा रहे हैं, आप अपने घर का जैसा इंटीरियर, जितना लग्जूरियस इंटीरियर करवाना चाहे करवा पा रहे हैं। हाउ वंडरफुल। मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कुछ भी बड़ा काम किया है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कोई भी बड़ा काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथ जोड़े, पैसे को धन्यवाद बोले, जो भी पैसा आज तक आपके जीवन में आया उसे धन्यवाद बोले, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं उसे धन्यवाद बोले, जैसे कपड़े आज आप पहन रहे हैं, जैसी आपकी नौकरी है, जैसा आपका परिवार है, उसको सब चीजों को धन्यवाद बोले। जो है वो बोनस है। कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पांव नहीं है, कईयों के जीवन में मुसीबतें बहुत है, आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, इसकी वैल्यू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये विजुलाइजेशन रोज करें दोस्तों, तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। बार बार बदल बदल के ना करें, एक को पकड़ लें और उसे लगातार करें, लंबे समय तक करें, बहुत रिजल्ट मिलेगा। कई बार पैसा इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। पास्ट में हमने बहुत सारी तकलीफें सही है, हम बचपन से जैसा देखते हैं वो सभी हमारे माइंड पे प्रिंट होता रहता है। अब मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में पीछे भी नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की समस्या हल हो जाए तो ये विजुअलाइजेशन रोज करें, सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर रात को सोने के तुरंत पहले। आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक लंबी और गहरी सांस लें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ अपना मुंह कर लें। जब ये विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो ही फीलिंग होनी चाहिए जो पैसा आने के बाद, बहुत सारा पैसा आने के बाद आपके माइंड में, आपकी बॉडी में होगी। सेम फीलिंग, एक और लंबी और गहरी सांस एंड इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही आलीशान महल में प्रवेश कर रहे हैं।
एक बहुत ही प्यारी सी कार के अंदर, ये कोई भी आपकी फेवरेट कार हो सकती है, पोर्च में आके गाड़ी रुकती है एंड दरवाजा खोलने के लिए 3-4 संतरी लोग भाग के आते हैं, आपको सल्यूट मारते हैं क्योंकि ये आपका प्राइवेट पैलेस है, योर पैलेस, यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व टू बी रिच, यू आर पावरफुल, बिलीव इन इट, ये आप ही का पैलेस है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक के साथ आप इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर की भव्यता को आप निहारते हैं, सभी तरफ एक एक चीज करोड़ों की, लाखों की, गोल्ड प्लेटेड, हर चीज, हर एक कारपेट, कुर्सी, सोफा, टेबल, जो भी यहां रखा हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। इन सभी को देखने के बाद आपके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है इसमें अंतर नहीं पता, इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है वो चाहे जो पा सकता है। जब आप इस तरह की चीजें अपने मन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो उसे पाने के लिए कुछ भी करता है या आपसे कुछ भी करवाता है। पैलेस के एक साइड में आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता है, तेज कदमों से आप उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कॉरिडोर के अंत में एक बहुत ही प्यारा सा दरवाजा, गोल्डन गेट। ये गोल्डन गेट खुलता है और ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ सोने की सीढ़ियां आपको दिखाई देती है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, चेहरे पे स्माइल, सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा बैठे, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप इस गोल्डन सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। पहले पाए पे चढ़े, आपके आसपास पैसा ही पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है। यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर अ मनी मैग्नेट। दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा, हर एक लग्जरी दुनिया की आपके कदमों में आ रही है, आसानी से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट आ रही है। आप जो चाहते थे वो पा लिया है आपने, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं और आप देखते हैं आपका परिवार खुशियों से भरपूर, जो चाहे जहां चाहे वहां घूम पा रहा है, जो चाहे वो कर पा रहा है, व्यापार शुरू करना है पैसा है, कुछ नया कुछ काम करना है पैसा है, कहीं जाना है पैसा है, कुछ खरीदना है पैसा है। आप देख सकते हैं कि आपका परिवार सब कुछ खरीद पा रहा है और आप भी हर चीज को खरीद भी पा रहे हैं और इंजॉय भी कर पा रहे हैं। एक एक करके आप जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और आप देखते हैं यू आर अ मिलियनेयर, यू आर अ बिलियनेयर, यू आर रिच। जोश के साथ 3 बार बोल दीजिए मन ही मन में, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई कैन अट्रैक्ट, मेरे साथ पैसा आसानी से आता है, बार बार आता है, जरूरत से कहीं ज्यादा आता है, सोते सोते भी आता है। और आप देख सकते हैं आप विदेश भी घूम रहे हैं, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, आप क्रूज में, फ्लाइट्स में, VVIP सीट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो चाहे खरीद पा रहे हैं, जैसा चाहे पहन पा रहे हैं, आप अपने घर का जैसा इंटीरियर, जितना लग्जूरियस इंटीरियर करवाना चाहें करवा पा रहे हैं। हाउ वंडरफुल, मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है।
अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कुछ भी बड़ा काम किया है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कोई भी बड़ा काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। दोनों हाथ जोड़े, पैसे को धन्यवाद बोले। जो भी पैसा आज तक आपके जीवन में आया उसे धन्यवाद बोले। जिस घर में आप अभी रह रहे हैं उसे धन्यवाद बोले। जैसे कपड़े आज आप पहन रहे हैं, जैसी आपकी नौकरी है, जैसा आपका परिवार है, उसको सब चीजों को धन्यवाद बोले। जो है वो बोनस है। कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पांव नहीं है, कईयों के जीवन में मुसीबतें बहुत है। आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, इसकी वैल्यू करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये विजुलाइजेशन रोज करें दोस्तों, तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। बार बार बदल बदल के ना करें, एक को पकड़ लें और उसे लगातार करें, लंबे समय तक करें, बहुत रिजल्ट मिलेगा। कई बार पैसा इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। पास्ट में हमने बहुत सारी तकलीफें सही है। हम बचपन से जैसा देखते हैं वो सभी हमारे माइंड पे प्रिंट होता रहता है। अब मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में पीछे भी नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की समस्या हल हो जाए तो ये विजुअलाइजेशन रोज करें, सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर रात को सोने के तुरंत पहले। आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक लंबी और गहरी सांस लें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ अपना मुंह कर लें। जब ये विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो ही फीलिंग होनी चाहिए जो पैसा आने के बाद, बहुत सारा पैसा आने के बाद आपके माइंड में, आपकी बॉडी में होगी। सेम फीलिंग। एक और लंबी और गहरी सांस एंड इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही आलीशान महल में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी सी कार के अंदर। ये कोई भी आपकी फेवरेट कार हो सकती है। पोर्च में आके गाड़ी रुकती है एंड दरवाजा खोलने के लिए 3-4 संतरी लोग भाग के आते हैं, आपको सल्यूट मारते हैं क्योंकि ये आपका प्राइवेट पैलेस है, योर पैलेस। यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व टू बी रिच, यू आर पावरफुल, बिलीव इन इट। ये आपका पैलेस है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक के साथ आप इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर की भव्यता को आप निहारते हैं। सभी तरफ एक एक चीज करोड़ों की, लाखों की, गोल्ड प्लेटेड हर चीज, हर एक कारपेट, कुर्सी, सोफा, टेबल, जो भी यहां रखा हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। इन सभी को देखने के बाद आपके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है इसमें अंतर नहीं पता, इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है वो चाहे जो पा सकता है। जब आप इस तरह की चीजें अपने मन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा अच्छा लगता है।
जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो उसे पाने के लिए कुछ भी करता है या आपसे कुछ भी करवाता है। पैलेस के एक साइड में आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता है। तेज कदमों से आप उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कॉरिडोर के अंत में एक बहुत ही प्यारा सा दरवाजा, गोल्डन गेट। ये गोल्डन गेट खुलता है और ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ सोने की सीढ़ियां आपको दिखाई देती है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, चेहरे पे स्माइल, सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा बैठे, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप इस गोल्डन सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। पहले पाए पे चढ़े, आपके आसपास पैसा ही पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है। यू आर अ मनी मैग्नेट। दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा, हर एक लग्जरी दुनिया की आपकी कदमों में आ रही है, आसानी से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट आ रही है। आप जो चाहते थे वो पा लिया है आपने, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं और आप देखते हैं आपका परिवार खुशियों से भरपूर, जो चाहे जहां चाहे वहां घूम पा रहा है, जो चाहे वो कर पा रहा है, व्यापार शुरू करना है पैसा है, कुछ नया कुछ काम करना है पैसा है, कहीं जाना है पैसा है, कुछ खरीदना है पैसा है। आप देख सकते हैं कि आपका परिवार सब कुछ खरीद पा रहा है और आप भी हर चीज को खरीद भी पा रहे हैं और इंजॉय भी कर पा रहे हैं। एक एक करके आप जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और आप देखते हैं यू आर रिच। जोश के साथ तीन बार बोल दीजिए मन ही मन में, I am rich, I can attract money। मेरे साथ पैसा आसानी से आता है, बार बार आता है, जरूरत से कहीं ज्यादा आता है, सोते सोते भी आता है। और आप देख सकते हैं आप विदेश भी घूम रहे हैं, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, आप क्रूज में, फ्लाइट्स में, VVIP सीट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं। आप जो चाहे खरीद पा रहे हैं, जैसा चाहे पहन पा रहे हैं, आप अपने घर का जैसा इंटीरियर, जितना लग्जूरियस इंटीरियर करवाना चाहे करवा पा रहे हैं। हाउ वंडरफुल। मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कुछ भी बड़ा काम किया है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कोई भी बड़ा काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। तथास्तु। दोनों हाथ जोड़े, पैसे को धन्यवाद बोले, जो भी पैसा आज तक आपके जीवन में आया उसे धन्यवाद बोले, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं उसे धन्यवाद बोले, जैसे कपड़े आज आप पहन रहे हैं, जैसी आपकी नौकरी है, जैसा आपका परिवार है, उसको सब चीजों को धन्यवाद बोले। जो है वो बोनस है। कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पांव नहीं है, कईयों के जीवन में मुसीबतें बहुत है, आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, इसकी वैल्यू करें। थैंक यू। ये विजुलाइजेशन रोज करें दोस्तों, तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। बार बार बदल बदल के ना करें, एक को पकड़ लें और उसे लगातार करें, लंबे समय तक करें, बहुत रिजल्ट मिलेगा। कई बार पैसा इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, पास्ट में हमने बहुत सारी तकलीफें सही है, हम बचपन से जैसा देखते हैं वो सभी हमारे माइंड पे प्रिंट होता रहता है। अब मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में पीछे भी नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की समस्या हल हो जाए तो ये विजुअलाइजेशन रोज करें, सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर रात को सोने के तुरंत पहले। आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक लंबी और गहरी सांस लें
और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ अपना मुंह कर लें। जब ये विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो ही फीलिंग होनी चाहिए जो पैसा आने के बाद, बहुत सारा पैसा आने के बाद आपके माइंड में, आपकी बॉडी में होगी। सेम फीलिंग। एक और लंबी और गहरी सांस एंड इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही आलीशान महल में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी सी कार के अंदर। ये कोई भी आपकी फेवरेट कार हो सकती है। पोर्च में आके गाड़ी रुकती है एंड दरवाजा खोलने के लिए 3-4 संतरी लोग भाग के आते हैं, आपको सल्यूट मारते हैं, क्योंकि ये आपका प्राइवेट पैलेस है। Your palace. You deserve this. You deserve to be rich. You are powerful. Believe in it. ये आपकी का पैलेस है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक के साथ आप इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर की भव्यता को आप निहारते हैं। सभी तरफ एक एक चीज करोड़ों की, लाखों की, गोल्ड प्लेटेड, हर चीज, हर एक कारपेट, कुर्सी, सोफा, टेबल, जो भी यहां रखा हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। इन सभी को देखने के बाद आपके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है इसमें अंतर नहीं पता, इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है वो चाहे जो पा सकता है। जब आप इस तरह की चीजें अपने मन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो उसे पाने के लिए कुछ भी करता है या आपसे कुछ भी करवाता है। पैलेस के एक साइड में आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता है। तेज कदमों से आप उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कॉरिडोर के अंत में एक बहुत ही प्यारा सा दरवाजा, गोल्डन गेट। ये गोल्डन गेट खुलता है और ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ सोने की सीढ़ियां आपको दिखाई देती है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, चेहरे पे स्माइल, सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा बैठे, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप इस गोल्डन सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। पहले पाए पे चढ़े, आपके आसपास पैसा ही पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है। You are a money magnet. You are a money magnet. दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा। हर एक लग्जरी दुनिया की आपके कदमों में आ रही है, आसानी से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट आ रही है। आप जो चाहते थे वो पा लिया है आपने, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं और आप देखते हैं आपका परिवार खुशियों से भरपूर, जो चाहे जहां चाहे वहां घूम पा रहा है, जो चाहे वो कर पा रहा है, व्यापार शुरू करना है पैसा है, कुछ नया कुछ काम करना है पैसा है, कहीं जाना है पैसा है, कुछ खरीदना है पैसा है। आप देख सकते हैं कि आपका परिवार सब कुछ खरीद पा रहा है और आप भी हर चीज को खरीद भी पा रहे हैं
और इंजॉय भी कर पा रहे हैं। एक एक करके आप जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और आप देखते हैं यू आर अ मिलियनेयर, यू आर अ बिलियनेयर, यू आर रिच। जोश के साथ 3 बार बोल दीजिए मन ही मन में, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई कैन अट्रैक्ट मनी, मेरे साथ पैसा आसानी से आता है, बार बार आता है, जरूरत से कहीं ज्यादा आता है, सोते सोते भी आता है। और आप देख सकते हैं आप विदेश भी घूम रहे हैं, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, आप क्रूज में, फ्लाइट्स में, VVIP सीट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो चाहे खरीद पा रहे हैं, जैसा चाहे पहन पा रहे हैं, आप अपने घर का जैसा इंटीरियर, जितना लग्जूरियस इंटीरियर करवाना चाहे करवा पा रहे हैं। हाउ वंडरफुल। मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कुछ भी बड़ा काम किया है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कोई भी बड़ा काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथ जोड़े, पैसे को धन्यवाद बोले, जो भी पैसा आज तक आपके जीवन में आया उसे धन्यवाद बोले, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं उसे धन्यवाद बोले, जैसे कपड़े आज आप पहन रहे हैं, जैसी आपकी नौकरी है, जैसा आपका परिवार है, उसको सब चीजों को धन्यवाद बोले। जो है वो बोनस है, कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पांव नहीं है, कईयों के जीवन में मुसीबतें बहुत है, आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, इसकी वैल्यू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये विजुलाइजेशन रोज करें दोस्तों, तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। बार बार बदल बदल के ना करें, एक को पकड़ लें और उसे लगातार करें, लंबे समय तक करें, बहुत रिजल्ट मिलेगा। कई बार पैसा इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, पास्ट में हमने बहुत सारी तकलीफें सही है, हम बचपन से जैसा देखते हैं वो सभी हमारे माइंड पे प्रिंट होता रहता है। अब मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में पीछे भी नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की समस्या हल हो जाए तो ये विजुअलाइजेशन रोज करें, सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर रात को सोने के तुरंत पहले। आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक लंबी और गहरी सांस लें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ अपना मुंह कर लें। जब ये विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो ही फीलिंग होनी चाहिए जो पैसा आने के बाद, बहुत सारा पैसा आने के बाद आपके माइंड में, आपकी बॉडी में होगी। सेम फीलिंग, एक और लंबी और गहरी सांस एंड इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही आलीशान महल में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी सी कार के अंदर, ये कोई भी आपकी फेवरेट कार हो सकती है। पोर्च में आके गाड़ी रुकती है एंड दरवाजा खोलने के लिए 3-4 संतरी लोग भाग के आते हैं, आपको सल्यूट मारते हैं क्योंकि ये आपका प्राइवेट पैलेस है, योर पैलेस, यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व टू बी रिच, यू आर पावरफुल, बिलीव इन इट, ये आपका पैलेस है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक के साथ आप इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर की भव्यता को आप निहारते हैं, सभी तरफ
एक एक चीज करोड़ों की लाखों की, गोल्ड प्लेटेड, हर चीज, हर एक कारपेट, कुर्सी, सोफा, टेबल, जो भी यहां रखा हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। इन सभी को देखने के बाद आपके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है इसमें अंतर नहीं पता, इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है वो चाहे जो पा सकता है। जब आप इस तरह की चीजें अपने मन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो उसे पाने के लिए कुछ भी करता है या आपसे कुछ भी करवाता है। पैलेस के एक साइड में आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता है। तेज कदमों से आप उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कॉरिडोर के अंत में एक बहुत ही प्यारा सा दरवाजा, गोल्डन गेट। ये गोल्डन गेट खुलता है और ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ सोने की सीढ़ियां आपको दिखाई देती है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, चेहरे पर स्माइल, सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा बैठे, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप इस गोल्डन सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। पहले पाए पे चढ़े, आपके आसपास पैसा ही पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है। यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर अ मनी मैग्नेट। दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा, हर एक लग्जरी दुनिया की आपके कदमों में आ रही है, आसानी से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट आ रही है। आप जो चाहते थे वो पा लिया है आपने, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं और आप देखते हैं आपका परिवार खुशियों से भरपूर, जो चाहे जहां चाहे वहां घूम पा रहा है, जो चाहे वो कर पा रहा है, व्यापार शुरू करना है पैसा है, कुछ नया कुछ काम करना है पैसा है, कहीं जाना है पैसा है, कुछ खरीदना है पैसा है। आप देख सकते हैं कि आपका परिवार सब कुछ खरीद पा रहा है और आप भी हर चीज को खरीद भी पा रहे हैं और इंजॉय भी कर पा रहे हैं। एक एक करके आप जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और आप देखते हैं यू आर अ मिलियनेयर, यू आर अ बिलियनेयर, यू आर रिच। जोश के साथ तीन बार बोल दीजिए मन ही मन में, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई कैन अट्रैक्ट, मेरे साथ पैसा आसानी से आता है, बार बार आता है, जरूरत से कहीं ज्यादा आता है, सोते सोते भी आता है। और आप देख सकते हैं आप विदेश भी घूम रहे हैं, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, आप क्रूज में, फ्लाइट्स में, VVIP सीट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो चाहे खरीद पा रहे हैं, जैसा चाहे पहन पा रहे हैं, आप अपने घर का जैसा इंटीरियर, जितना लग्जूरियस इंटीरियर करवाना चाहें करवा पा रहे हैं। हाउ वंडरफुल, मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कुछ भी बड़ा काम किया है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कोई भी बड़ा काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथ जोड़े, पैसे को धन्यवाद बोले, जो भी पैसा आज तक आपके जीवन में आया उसे धन्यवाद बोलें, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं उसे धन्यवाद बोलें, जैसे कपड़े आज आप पहन रहे हैं, जैसी आपकी नौकरी है, जैसा आपका परिवार है, उसको सब चीजों को धन्यवाद बोलें। जो है वो बोनस है, कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पांव नहीं है, कईयों के जीवन में मुसीबतें बहुत है, आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, इसकी वैल्यू करें। थैंक यू, थैंक यू। ये विजुअलाइजेशन रोज करें दोस्तों, तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट ना मिले।
बार बार बदल बदल के ना करें, एक को पकड़ लें और उसे लगातार करें, लंबे समय तक करें, बहुत रिजल्ट मिलेगा। कई बार पैसा इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, पास्ट में हमने बहुत सारी तकलीफें सही है, हम बचपन से जैसा देखते हैं वो सभी हमारे माइंड पे प्रिंट होता रहता है। अब मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में पीछे भी नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की समस्या हल हो जाए तो ये विजुअलाइजेशन रोज करें, सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर रात को सोने के तुरंत पहले। आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक लंबी और गहरी सांस लें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ अपना मुंह कर लें। जब ये विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो ही फीलिंग होनी चाहिए जो पैसा आने के बाद, बहुत सारा पैसा आने के बाद आपके माइंड में, आपकी बॉडी में होगी। सेम फीलिंग, एक और लंबी और गहरी सांस एंड इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही आलीशान महल में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी सी कार के अंदर, ये कोई भी आपकी फेवरेट कार हो सकती है। पोर्च में आके गाड़ी रुकती है एंड दरवाजा खोलने के लिए 3-4 संतरी लोग भाग के आते हैं, आपको सल्यूट मारते हैं क्योंकि ये आपका प्राइवेट पैलेस है, योर पैलेस, यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व टू बी रिच, यू आर पावरफुल, बिलीव इन इट, ये हैप्पी का पैलेस है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक के साथ आप इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर की भव्यता को आप निहारते हैं, सभी तरफ एक एक चीज करोड़ों की, लाखों की, गोल्ड प्लेटेड, हर चीज, हर एक कारपेट, कुर्सी, सोफा, टेबल, जो भी यहां रखा हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। इन सभी को देखने के बाद आपके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है इसमें अंतर नहीं पता, इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है वो चाहे जो पा सकता है। जब आप इस तरह की चीजें अपने मन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो उसे पाने के लिए कुछ भी करता है या आपसे कुछ भी करवाता है। पैलेस के एक साइड में आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता है, तेज कदमों से आप उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कॉरिडोर के अंत में एक बहुत ही प्यारा सा दरवाजा, गोल्डन गेट। ये गोल्डन गेट खुलता है और ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ सोने की सीढ़ियां आपको दिखाई देती है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, चेहरे पे स्माइल, सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा बैठे, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप इस गोल्डन सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं।
पहले पाए पे चढ़े हैं। आपके आसपास पैसा ही पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है। यू आर अ मनी मैग्नेट। दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा, हर एक लग्जरी दुनिया की आपके कदमों में आ रही है, आसानी से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट आ रही है। आप जो चाहते थे वो पा लिया है आपने, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं और आप देखते हैं आपका परिवार खुशियों से भरपूर, जो चाहे जहां चाहे वहां घूम पा रहा है, जो चाहे वो कर पा रहा है, व्यापार शुरू करना है पैसा है, कुछ नया कुछ काम करना है पैसा है, कहीं जाना है पैसा है, कुछ खरीदना है पैसा है। आप देख सकते हैं कि आपका परिवार सब कुछ खरीद पा रहा है और आप भी हर चीज को खरीद भी पा रहे हैं और इंजॉय भी कर पा रहे हैं। एक एक करके आप जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और आप देखते हैं यू आर अ बिलियनेयर, यू आर रिच। जोश के साथ तीन बार बोल दीजिए मन ही मन में, I am rich, I am rich, I am rich, I can attract money। मेरे साथ पैसा आसानी से आता है, बार बार आता है, जरूरत से कहीं ज्यादा आता है, सोते सोते भी आता है। और आप देख सकते हैं आप विदेश भी घूम रहे हैं, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, आप क्रूज में फ्लाइट्स में VVIP सीट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो चाहे खरीद पा रहे हैं, जैसा चाहे पहन पा रहे हैं, आप अपने घर का जैसा इंटीरियर, जितना लग्जूरियस इंटीरियर करवाना चाहे करवा पा रहे हैं। हाउ वंडरफुल, मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कुछ भी बड़ा काम किया है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कोई भी बड़ा काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। तथास्तु। दोनों हाथ जोड़े, पैसे को धन्यवाद बोले, जो भी पैसा आज तक आपके जीवन में आया उसे धन्यवाद बोले, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं उसे धन्यवाद बोले, जैसे कपड़े आज आप पहन रहे हैं, जैसी आपकी नौकरी है, जैसा आपका परिवार है, उसको सब चीजों को धन्यवाद बोले। जो है वो बोनस है। कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पांव नहीं है, कईयों के जीवन में मुसीबतें बहुत है, आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, इसकी वैल्यू करें। थैंक यू। ये विजुलाइजेशन रोज करें दोस्तों, तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। बार बार बदल बदल के ना करें, एक को पकड़ लें और उसे लगातार करें, लंबे समय तक करें, बहुत रिजल्ट मिलेगा। कई बार पैसा इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, पास्ट में हमने बहुत सारी तकलीफें सही है, हम बचपन से जैसा देखते हैं वो सभी हमारे माइंड पे प्रिंट होता रहता है। अब मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में पीछे भी नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की समस्या हल हो जाए तो ये विजुअलाइजेशन रोज करें, सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर रात को सोने के तुरंत पहले। आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक लंबी और गहरी सांस लें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें, सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ अपना मुंह कर लें। जब ये विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो ही फीलिंग होनी चाहिए जो पैसा आने के बाद, बहुत सारा पैसा आने के बाद आपके माइंड में, आपकी बॉडी में होगी। सेम फीलिंग, एक और लंबी और गहरी सांस,
एंड इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही आलीशान महल में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी सी कार के अंदर, ये कोई भी आपकी फेवरेट कार हो सकती है। पोर्च में आके गाड़ी रुकती है एंड दरवाजा खोलने के लिए 3-4 संतरी लोग भाग के आते हैं, आपको सल्यूट मारते हैं क्योंकि ये आपका प्राइवेट पैलेस है, योर पैलेस, यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व टू बी रिच, यू आर पावरफुल, बिलीव इन इट, ये हैप्पी का पैलेस है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक के साथ आप इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर की भव्यता को आप निहारते हैं। सभी तरफ एक एक चीज करोड़ों की, लाखों की, गोल्ड प्लेटेड, हर चीज, हर एक कारपेट, कुर्सी, सोफा, टेबल, जो भी यहां रखा हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। इन सभी को देखने के बाद आपके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है इसमें अंतर नहीं पता, इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है वो चाहे जो पा सकता है। जब आप इस तरह की चीजें अपने मन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो उसे पाने के लिए कुछ भी करता है या आपसे कुछ भी करवाता है। पैलेस के एक साइड में आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता है। तेज कदमों से आप उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कॉरिडोर के अंत में एक बहुत ही प्यारा सा दरवाजा, गोल्डन गेट। ये गोल्डन गेट खुलता है और ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ सोने की सीढ़ियां आपको दिखाई देती है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, चेहरे पे स्माइल, सीधा बैठे, बिल्कुल सीधा बैठे, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप इस गोल्डन सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। पहले पाए पे चढ़े, आपके आसपास पैसा ही पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है। यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर अ मनी मैग्नेट। दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा, हर एक लग्जरी दुनिया की आपके कदमों में आ रही है, आसानी से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट आ रही है। आप जो चाहते थे वो पा लिया है आपने, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं और आप देखते हैं आपका परिवार खुशियों से भरपूर, जो चाहे जहां चाहे वहां घूम पा रहा है, जो चाहे वो कर पा रहा है, व्यापार शुरू करना है पैसा है, कुछ नया कुछ काम करना है पैसा है, कहीं जाना है पैसा है, कुछ खरीदना है पैसा है। आप देख सकते हैं कि आपका परिवार सब कुछ खरीद पा रहा है और आप भी हर चीज को खरीद भी पा रहे हैं और इंजॉय भी कर पा रहे हैं। एक एक करके आप जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और आप देखते हैं यू आर अ मिलियनेयर, यू आर अ बिलियनेयर, यू आर रिच। जोश के साथ 3 बार बोल दीजिए मन ही मन में, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई कैन अट्रैक्ट मनी, मेरे साथ पैसा आसानी से आता है, बार बार आता है, जरूरत से कहीं ज्यादा आता है, सोते सोते भी आता है। और आप देख सकते हैं आप विदेश भी घूम रहे हैं, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, आप क्रूज में, फ्लाइट्स में, VVIP सीट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप जो चाहे खरीद पा रहे हैं, जैसा चाहे पहन पा रहे हैं, आप अपने घर का जैसा इंटीरियर, जितना लग्जूरियस इंटीरियर करवाना चाहे करवा पा रहे हैं,
हाउ वंडरफुल। मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कुछ भी बड़ा काम किया है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कोई भी बड़ा काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथ जोड़े, पैसे को धन्यवाद बोले। जो भी पैसा आज तक आपके जीवन में आया उसे धन्यवाद बोले। जिस घर में आप अभी रह रहे हैं उसे धन्यवाद बोले। जैसे कपड़े आज आप पहन रहे हैं, जैसी आपकी नौकरी है, जैसा आपका परिवार है, उसको सब चीजों को धन्यवाद बोले। जो है वो बोनस है। कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पांव नहीं है, कईयों के जीवन में मुसीबतें बहुत है। आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, इसकी वैल्यू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये विजुलाइजेशन रोज करें दोस्तों, तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। बार बार बदल बदल के ना करें, एक को पकड़ लें और उसे लगातार करें, लंबे समय तक करें, बहुत रिजल्ट मिलेगा। कई बार पैसा इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। पास्ट में हमने बहुत सारी तकलीफें सही है। हम बचपन से जैसा देखते हैं वो सभी हमारे माइंड पे प्रिंट होता रहता है। अब मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में पीछे भी नहीं रहते, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स वैसे नहीं आ पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की समस्या हल हो जाए तो ये विजुअलाइजेशन रोज करें, सुबह उठने के तुरंत बाद या फिर रात को सोने के तुरंत पहले। आंखें बंद करके बैठ जाएं, एक लंबी और गहरी सांस लें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की तरफ अपना मुंह कर लें। जब ये विजुअलाइजेशन आप कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो ही फीलिंग होनी चाहिए जो पैसा आने के बाद, बहुत सारा पैसा आने के बाद आपके माइंड में, आपकी बॉडी में होगी। सेम फीलिंग। एक और लंबी और गहरी सांस एंड इमेजिन कीजिए आप एक बहुत ही आलीशान महल में प्रवेश कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी सी कार के अंदर। ये कोई भी आपकी फेवरेट कार हो सकती है। पोर्च में आके गाड़ी रुकती है एंड दरवाजा खोलने के लिए 3-4 संतरी लोग भाग के आते हैं, आपको सल्यूट मारते हैं क्योंकि ये आपका प्राइवेट पैलेस है, योर पैलेस। यू डिजर्व दिस, यू डिजर्व टू बी रिच, यू आर पावरफुल, बिलीव इन इट। ये हैप्पी का पैलेस है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉक के साथ आप इस पैलेस के अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर की भव्यता को आप निहारते हैं। सभी तरफ एक एक चीज करोड़ों की, लाखों की, गोल्ड प्लेटेड। हर चीज, हर एक कारपेट, कुर्सी, सोफा, टेबल, जो भी यहां रखा हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है। इन सभी को देखने के बाद आपके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और भगवान को धन्यवाद बोलिए। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है इसमें अंतर नहीं पता, इसीलिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकता है वो चाहे जो पा सकता है।
जब आप इस तरह की चीजें अपने मन में देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो उसे पाने के लिए कुछ भी करता है या आपसे कुछ भी करवाता है। पैलेस के एक साइड में आपको एक कॉरिडोर दिखाई देता है। तेज कदमों से आप उस कॉरिडोर की तरफ जाते हैं और आप देखते हैं कॉरिडोर के अंत में एक बहुत ही प्यारा सा दरवाजा, गोल्डन गेट। ये गोल्डन गेट खुलता है और ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ सोने की सीढ़ियां आपको दिखाई देती है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, चेहरे पे स्माइल, सीधा बैठे हैं, बिल्कुल सीधा बैठे, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप इस गोल्डन सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। पहले पाए पे चढ़े, आपके आसपास पैसा ही पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है। यू आर अ मनी मैग्नेट। दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा, हर एक लग्जरी दुनिया की आपके कदमों में आ रही है, आसानी से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट आ रही है। आप जो चाहते थे वो पा लिया है आपने, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं और आप देखते हैं आपका परिवार खुशियों से भरपूर, जो चाहे जहां चाहे वहां घूम पा रहा है, जो चाहे वो कर पा रहा है, व्यापार शुरू करना है पैसा है, कुछ नया कुछ काम करना है पैसा है, कहीं जाना है पैसा है, कुछ खरीदना है पैसा है। आप देख सकते हैं कि आपका परिवार सब कुछ खरीद पा रहा है और आप भी हर चीज को खरीद भी पा रहे हैं और इंजॉय भी कर पा रहे हैं। एक एक करके आप जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और आप देखते हैं यू आर अ बिलियनेयर, यू आर रिच। जोश के साथ तीन बार बोल दीजिए मन ही मन में, I am rich, I am rich, I am rich, I can attract money। मेरे साथ पैसा आसानी से आता है, बार बार आता है, जरूरत से कहीं ज्यादा आता है, सोते सोते भी आता है। और आप देख सकते हैं आप विदेश भी घूम रहे हैं, आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, आप क्रूज में, फ्लाइट्स में, VVIP सीट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं। आप जो चाहे खरीद पा रहे हैं, जैसा चाहे पहन पा रहे हैं, आप अपने घर का जैसा इंटीरियर, जितना लग्जूरियस इंटीरियर करवाना चाहे करवा पा रहे हैं। हाउ वंडरफुल। मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कुछ भी बड़ा काम किया है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में किसी भी आदमी ने कोई भी बड़ा काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। दोनों हाथ जोड़े, पैसे को धन्यवाद बोले, जो भी पैसा आज तक आपके जीवन में आया उसे धन्यवाद बोले, जिस घर में आप अभी रह रहे हैं उसे धन्यवाद बोले, जैसे कपड़े आज आप पहन रहे हैं, जैसी आपकी नौकरी है, जैसा आपका परिवार है, उसको सब चीजों को धन्यवाद बोले। जो है वो बोनस है। कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पांव नहीं है, कईयों के जीवन में मुसीबतें बहुत है, आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, इसकी वैल्यू करें। थैंक यू। ये विजुलाइजेशन रोज करें दोस्तों, तब तक करें जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। बार बार बदल बदल के ना करें, एक को पकड़ लें और उसे लगातार करें, लंबे समय तक करें, बहुत रिजल्ट मिलेगा ही। धीरे धीरे भगवान को हाथ जोड़ते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम। थिंक रिच, बी रिच, लॉट्स ऑफ लव।